उत्तराखंड स्टेट की, उत्तराखंड जीके जो कि परीक्षा है 14 जुलाई 2024, इसके प्रवेश पत्र 30 जून 2024 से लाइव हो जाएंगे इवनिंग से। उत्तराखंड विभिन्न सेंटरों पर उत्तराखंड अपर सबॉर्डिनेट परीक्षा पीसीएस आयोजित होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की डेटा के बारे में पढ़ रहे थे कि सामान्य ज्ञान जनसंख्या की चर्चा करेंगे। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सकल जनसंख्या 1,86,292, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.83%, मतलब 1% भी जनसंख्या नहीं है। भारत की जनसंख्या का 0.83% जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार सकल जनसंख्या उत्तराखंड की 1,86,292, महिलाओं की जनसंख्या, महिलाएं हैं जिसमें 49,48,519, और वहीं पर पुरुषों की सिर्फ बात कर लें, पुरुषों की जनसंख्या 51,37,773। वहीं पर अगर स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें, स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें, लिंगानुपात, तो 963 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर उत्तराखंड में, 963 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, ये सारा डेटा 2011 सेंसस के हिसाब से हम यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व है 189 प्रति वर्ग किमी, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है, 189 पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी और यहाँ की शहरी जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें, तो उत्तराखंड की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 30.2%, और वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या अगर हम देखें उत्तराखंड की, तो ग्रामीण जनसंख्या है 69.8%, ये ग्रामीण जनसंख्या उत्तराखंड की। तेंदुलकर समिति की बात करें, तो गरीबी रेखा से नीचे अगर तेंदुलकर समिति की बात करें, तो गरीबी रेखा से नीचे निवासी जनसंख्या उत्तराखंड की, निवासी जनसंख्या तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निवासी जनसंख्या डेटा 2011-2012 के हिसाब से 11.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील, मतलब कार्य करने वाली जनसंख्या की अगर बात करें, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कर्मकार जनसंख्या जो कार्यशील है, अगर बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से, तो 38.72 लाख कार्यशील जनसंख्या यहाँ पे है, 38.72 लाख। और अकार्यशील जनसंख्या यानी कि आश्रित जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अकार्यशील, कौन सा अकार्यशील, जो कार्य नहीं करती है, इसका मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत है 62.14 लाख, जबकि कार्यशील जनसंख्या 38.72 लाख। ये जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड राज्य के बारे में कहता था। हेलो गाइस, वेलकम ऑन YouTube चैनल कॉमटेरिया, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल, आवर मोटो एज अ टैगलाइन इज स्टडी सिलेक्शन तक, फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड। के इस प्रोग्राम में हम आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, आजादी और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नों को भी हम पढ़े हैं, एक लेक्चर, और हम उस पे लेंगे उत्तराखंड की आजादी पे। लेकिन अभी हम सेंसस को देख रहे हैं, 2011 सेंसस में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं। हमारा एग्जामिनेशन 14 जुलाई 2024 को है, इसमें कि हमारे एडमिट कार्ड लाइव हो रहे हैं 13 जून 2024। इसमें हमें डेटा देखा, देखिए
अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सकल जनसंख्या की बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से तो 1,86,292 जनसंख्या हमारी उत्तराखंड की, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 0.83%। महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519, पुरुषों की जनसंख्या 51,37,773, स्त्री पुरुष अनुपात 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं, जनसंख्या घनत्व यहाँ का 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, सारी जनसंख्या का प्रतिशत 30.21%, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 69.87%, और तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासी जनसंख्या 2011-12 डेटा के अनुसार 11.3% प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील या कर्मकार जनसंख्या का अनुपात 38.72 लाख कर्मकार, और प्रदेश की उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अकार्यशील या आश्रित जनसंख्या 62.14 लाख। यहाँ पर धर्म के अनुसार जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार हम यहाँ पर डेटा फीड कर रहे हैं आपका, 2011 सेंसस के अनुसार अगर हम जातिगत धर्मगत जनगणना को देखें 2011 सेंसस 2011 के हिसाब से हम उत्तराखंड राज्य में धर्म और उसका प्रतिशत जनसंख्या का अगर देख रहे हैं तो हिंदू धर्म के ये 2011 की जनसंख्या है बच्चों, इसको आप 2024 या 23 की मत समझिएगा। 2011 में जब हमने यहाँ जनगणना की तो हिंदू हमारे पास थे 83.69 लाख, जिनका की प्रतिशत था उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 82.98%। यहीं पर मुस्लिम की जनसंख्या का प्रतिशत अगर देख ले हम उत्तराखंड में तो ये थे 13.95%। वहीं पर सिख धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत हम देख ले 2.34%। यहीं पर ईसाई जो आपके उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं वो 0.38% है। वहीं पर बौद्ध धर्म के लोग की बात करें तो बौद्ध कम्युनिटी के आपके 0.15% लोग निवास कर रहे हैं उत्तराखंड में। जैन जैनी इसकी बात करें तो जैनी है हमारे 0.09%, और अन्य धर्म तथा जो वर्णित नहीं है मतलब अवर्णित धर्म उसके हैं 0.13% जनसंख्या निवास कर रही है उत्तराखंड में। हिंदू है 82.98% 2011 सेंसस के अनुसार, मुस्लिम है 13.95%, सिख है 2.34%, ईसाई है 0.38%, बौद्ध है 0.15%, जैन है 0.09%, और अन्य धर्म या अवर्णित धर्म है 0.13% जनसंख्या। कुल साक्षरता दर हमारे उत्तराखंड की है सारा सेंसस 2011 के अनुसार, कुल साक्षरता दर पूरी स्टेट की है 78.8%, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर हमारी है 87.4, बहुत अच्छी है परसेंट, और वहीं पर स्त्री साक्षरता दर हमारे पास उत्तराखंड में है 70%, तो पुरुष साक्षरता दर हमारी है 87.4%। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तराखंड में एससी की जनसंख्या, ये सब सेंसस 2011 के हिसाब से किया गया है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 18,92,516, 1,86,292 में से अनुसूचित जाति है 18,92,516, जिसमें कि पुरुष हैं एससी के 9,68,586, और स्त्री है महिला है एससी की, सारा उत्तराखंड में बताना है 9 लाख
23,930। इसके बाद उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत ये आपका है 18.8%। देख लीजिए आपका है 18,92,516 और ये 1,86,292, तो 18.8% आ रहा है कुल जनसंख्या का। एकदम सही हमने कैलकुलेट किया है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एसटी की जनसंख्या यहाँ पे देख लीजिए, एसटी की जनसंख्या उत्तराखंड में एसटी की जनसंख्या 291,903 लोग हैं एसटी के, इसमें से पुरुष है 1,48,669 और महिला है 1,43,234 एसटी की महिला है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत टोटल में एसटी की जनसंख्या प्रतिशत देख लीजिए कुल कितने हैं 2,91,903 और हमारे पास कुल जनसंख्या 1,86,292। तो राज्य कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 2.9%। अनुसूचित जाति 18 लाख है तो 18.8%, 2,91,903 है तो ये 2.9% हो गया। ये कुल देख लीजिए 1,86,292। और इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कर्मकार, राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कर्मकार 38.72 लाख, ये देखिए यहां पर से रिपीट हुआ है, और अकार्यशील आश्रित 62.14 लाख, बिल्कुल सही। 0 से 6 वर्ग आयु समूह की जनसंख्या, 0 से 6 वर्ग, 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या, आयु समूह की जनसंख्या क्या है, 0 से 6 वर्ष का जो बालक है उसकी जनसंख्या अगर उत्तराखंड में देखे तो 13,55,814, 0 से 6 वर्ष के बच्चे। और शिशु लिंगानुपात यहाँ का है, उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात है उत्तराखंड का 890 प्रति 1,000 बालकों पर बालिका है, 890 प्रति 1,000 बालकों पर बालिकाएं 890, ये शिशु लिंगानुपात है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारा स्त्री पुरुष अनुपात क्या है उत्तराखंड का 1,963, और हमारे भारत का क्या है, भारत का देखिए दिया हुआ, भारत का है 943। ध्यान दीजिए यही मैं लिख रहा हूं, स्त्री पुरुष अनुपात 963 और 1,000 है उत्तराखंड का यूके। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ये बॉक्स में देखिए अलग से हम यहां दिखा रहे हैं, इंडिया का है 943, मतलब इंडिया का कम है 1,000 के, ये किसका है भारत का है, ये किसका है उत्तराखंड का है। स्त्री पुरुष अनुपात 1,000 पुरुष पे 963 महिला, भारत का लिंगानुपात 1,000 पुरुष पे 943 महिला, और उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 1,000 शिशु बालक पे बालिका 900 890, शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या, 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या 13,55,814, 0 से 6 वर्ष की। आइए एक ओवरव्यू भी अभी हम ले लेते हैं, उत्तराखंड भारत तुलनात्मक संकेतक, लेकिन अभी हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं, अपनी रिवीजन बुक निकालिए, उत्तराखंड भारत का तुलनात्मक संकेतक भी हम करेंगे। आपका काम ठीक है।
उत्तराखंड महत्वपूर्ण तथ्य, स्वतंत्रता संग्राम में और प्राचीन इतिहास, भौगोलिक परिक्षेत्र और राजनीतिक परिदृश्य से उत्तराखंड के जीके उसी जनगणना पर जनसंख्या उत्तराखंड की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सकल जनसंख्या 1,86,292 उत्तराखंड की, इसमें महिलाएं 49,48,519, पुरुष की जनसंख्या उत्तराखंड में 51,37,773, उत्तराखंड की स्त्री पुरुष अनुपात 1,000 पुरुषों पे 963 स्त्रियां और जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का 189 प्रति वर्ग किमी, उत्तराखंड की शहरी जनसंख्या 30.2%, उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या 69.8%, गरीबी तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निर्वासित जनसंख्या 2011-12 डेटा के अनुसार 11.3%, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 38.72 लाख और उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अकार्यशील या आश्रित जनसंख्या 65.14 लाख है और इनकी कुल साक्षरता दर उत्तराखंड की 78.8%, इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 87.4%, स्त्री की साक्षरता दर 70%। उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 18,92,516 क्योंकि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का 18.8% है। उत्तराखंड में एससी की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 96,8,586 और एससी की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत केवल उत्तराखंड में एससी की 9,23,930। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के एसटी की जनसंख्या की तो 2,91,903, इसमें की एसटी के पुरुष की जनसंख्या 1,48,669, एसटी महिला की जनसंख्या उत्तराखंड में 1,43,234 और कुल जनसंख्या में शेड्यूल ट्राइब्स की परसेंटेज अगर आपकी पूरे उत्तराखंड से पूछे तो 2.9% पूरी की पूरी जनसंख्या में उत्तराखंड के जो कि 1,86,292 है। शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है 18.8%। इसके बाद हम सेंसस 2011 के अनुसार उत्तराखंड में धार्मिक अगर हम यहाँ जनगणना की बात करें तो हिंदू धर्म के 83.69 लाख लोग हैं जो कि कुल उत्तराखंड की जनसंख्या का 82.98% है। मुस्लिम जनसंख्या उत्तराखंड में 13.95% है, ये सब 2011 के अनुसार है। सिख जनसंख्या 2.34% है उत्तराखंड की जनसंख्या का, ईसाई जनसंख्या 0.38% उत्तराखंड में, बौद्ध 0.15% है कुल उत्तराखंड की जनसंख्या का, जैन उत्तराखंड में 0.09% है कुल उत्तराखंड की जनसंख्या का और अन्य धर्म और अवर्णित धर्म उत्तराखंड में 0.13% है उत्तराखंड की अपनी जनसंख्या से। और जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या है 13,55,814 और उत्तराखंड में बालिका और बालक का शिशु लिंगानुपात 1,000 बालकों पे 890 बालिकाएं शिशु हैं। और अगर इंडिया के हम स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात की बात करें तो इंडिया का लिंगानुपात है 1,000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, वहीं पर उत्तराखंड में स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें तो उत्तराखंड में 1,000 पुरुषों पे 963 महिलाएं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया और उत्तराखंड का एक लीनियर रे डायग्राम बनाते हैं जिसमें सारे वैल्यूज को हम लेंगे कि किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पर सार गर्भित हम एक विहंगा अवलोकन यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे किस प्रकार से भारत के हर एक पैमाने पर क्या वैल्यू है, वही उत्तराखंड में उस पैमाने पर क्या वैल्यू प्रदर्शित की जाती है, इस चीज का हम यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण एवं आकलन करेंगे। 30 जून से आपका एडमिट कार्ड लाइव होगा उत्तराखंड पीसीएस का, आपका एग्जाम है 14 जुलाई 2024 को। उत्तराखंड और भारत के तुलनात्मक संकेतक, तुलनात्मक संकेतक बताएगा आपको इस संकेतक की भारत में क्या है वैल्यू और उत्तराखंड में क्या है। हमारे पास मद है, मतलब की जो बात करनी है उत्तराखंड की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे भारत की, मध उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, मध भारत के परिप्रेक्ष्य में।
आप ध्यान समझिएगा इस लीनियर चार्ट को। हमारे हमारे पास मध होगा, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी, उसके बाद भारत की बात होगी। मध होगा, उत्तराखंड की बात होगी, भारत की बात होगी। ध्यान से आप समझ गए, दंडवत यहां पर कॉलम है हमारे पास। जनगणना वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर, ध्यान दीजिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 उत्तराखंड में 18.8%, ध्यान दीजिए बच्चों, भारत का 17.7%। क्या था जनसंख्या वृद्धि? जनघनत्व की बात कर ले, जनघनत्व उत्तराखंड का 189, पूरे भारत का 382, जनघनत्व पूरे भारत का 382। नगरीकरण की बात करें, उत्तराखंड में क्या नगरीकरण, नगरीकरण उत्तराखंड में 30.2%, वहीं पर पूरे भारत में नगरीकरण 31.1%। हमारे पास मत है लिंगानुपात, यानी स्त्री पुरुष अनुपात। लिंगानुपात हमारे पास उत्तराखंड में है 963 स्त्री 1000 महिलाओं पे, या हमारे पास है 943 स्त्री 1000 महिलाओं पे। लिंगानुपात हमारा भारत का है 943, लेकिन उत्तराखंड का एक बेस्ट लिंगानुपात है 963। साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर की हम बात करेंगे, कुल व्यक्ति की साक्षरता उत्तराखंड में कुल व्यक्ति की साक्षरता 78.8% है, जबकि वहीं भारत में कुल व्यक्ति की साक्षरता 73% है। पुरुषों की साक्षरता की बात करें, पुरुषों की केवल साक्षरता उत्तराखंड में 87.4% है, जबकि पूरे भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 18.9% है। वहीं पर स्त्री की अगर साक्षरता दर की बात करें, उत्तराखंड में स्त्री की साक्षरता 70% है, जबकि भारत में स्त्री की साक्षरता 64.6% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, एससी की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में आपके उत्तराखंड की एससी की जनसंख्या 18.8%, हमने आपको पढ़ाया। वहीं भारत की कुल जनसंख्या में, भारत में एससी की जनसंख्या का प्रतिशत है केवल 16.6%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तराखंड में 2.9%, जबकि पूरे भारत में भारत की जनसंख्या से 8.6% एसटी निवास करते हैं। जन्म दर की बात करें, हम 2020 का डेटा ले रहे हैं, जन्म दर वर्ष 2020 की बात हो रही है। यहां पे प्रति हजार में होगा कुल जनसंख्या, जन्म दर कुल जनसंख्या 16.6%। यहां पर हमारे पास कुल है भारत का प्रति हजार पे 19.5, यहां है 16.6, कितने पे, हजार लोगों पे 19.5 यहां पर। और ग्रामीण की अगर बात करें, ग्रामीण की अगर बात करें 17 पॉइंट है, और ग्रामीण की अगर यहां बात करें भारत में 21.1। अगर नगरी की बात करें, नगरी की बात करें तो उत्तराखंड में 15.6 है जन्म दर 2020 के अनुसार, और नगरी की यहां पर अगर भारत में बात करें 16.1 है हर प्रति हजार पर भारत में जन्म दर 2020 के अनुसार। मृत्यु दर देख लेते हैं 2020 के अनुसार, मृत्यु दर वर्ष 2020 के अनुसार ही चलेगा। हमारा कुल मृत्यु दर है तो सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करेंगे, 6.3 पॉइंट होगा प्रति हजार में, यहाँ पर भारत में 6 होगा प्रति हजार में। ग्रामीण की बात करेंगे मृत्यु दर की, ग्रामीण की तो उत्तराखंड में 6.7 प्रति हजार पे
या अब मृत्यु दर हो जाएगी 6.4 ग्रामीण में प्रति हजार पे पूरे भारत में, या नगरी की अगर बात करें, नगरी की बात करें उत्तराखंड में मृत्यु दर तो 5.1 व्यक्ति 1,000 पे, वहीं पूरे भारत में 5.1। देखिए एक डेटा आपका मैच कर गया, पूरे भारत का और उत्तराखंड का प्रति हजार पर मृत्यु दर वर्ष 2020 नगरी एकदम समान है 5.1। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2020 में कुल शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड की प्रति हजार पर 24 है, भारत में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 28 है। और ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो शिशु मृत्यु दर 2020 की डेटा के अनुसार उत्तराखंड में प्रति हजार पे 25 है और पूरे भारत में प्रति हजार पे 31 है शिशु मृत्यु दर 2020। और नगरीय क्षेत्र में अगर 2020 की बात करें शिशु मृत्यु दर तो उत्तराखंड में 24 प्रति हजार शिशु है मृत्यु दर और भारत में प्रति हजार पर 19 शिशु मृत्यु दर। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड का यह एक संकेतक आपको तुलनात्मक संकेतक उत्तराखंड एवं भारत। हमारे पास मद है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 18.8% उत्तराखंड का 17.7% भारत का। जनगणना तो बात करें तो 189 उत्तराखंड का 382 भारत का। नगरीकरण की बात करें 30.2% उत्तराखंड का 31.1% पूरे भारत का। लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें 963 प्रति हजार में महिलाएं उत्तराखंड में लिंगानुपात, पूरे भारत में 1000 में 943 महिलाएं लिंगानुपात। साक्षरता दर में बात करें कुल व्यक्ति की साक्षरता उत्तराखंड में 78.8% पूरे भारत में 73% कुल व्यक्ति की साक्षरता। पुरुषों की साक्षरता वहीं पर उत्तराखंड में 87.4% पूरे भारत में 80.9%। स्त्री की साक्षरता उत्तराखंड में 70% पूरे भारत में 64.6%। एससी की जनसंख्या की अगर बात करें कुल जनसंख्या में उत्तराखंड के 18.8% भारत की कुल जनसंख्या में एससी 16.6%। वहीं पर शेड्यूल ट्राइब की बात करें जनसंख्या की कुल उत्तराखंड की जनसंख्या का 2.9% उत्तराखंड में एसटी और पूरी भारत की जनसंख्या का 8.6% भारत में एसटी की जनसंख्या। जन्म दर वर्ष 2020 के अनुसार कुल जन्म दर उत्तराखंड में 16.6 प्रति हजार पे 19.5 पूरे भारत में प्रति हजार पर। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें उत्तराखंड में प्रति हजार पे 17 व्यक्ति और भारत में 21.1 व्यक्ति। और नगरी की बात करें जन्म दर की अगर तो उत्तराखंड में 15.6 व्यक्ति प्रति हजार पे 16.1 व्यक्ति प्रति हजार पे जन्म दर भारत में। मृत्यु दर वर्ष 2020 के अनुसार कुल मृत्यु दर 6.3 व्यक्ति प्रति हजार पे उत्तराखंड में 6 व्यक्ति प्रति हजार पे भारत में। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 6.7 उत्तराखंड में मृत्यु वाले और मृत्यु दर 6.4 व्यक्ति प्रति 1,000 उत्तराखंड में। वहीं पर नगरीय मृत्यु दर की बात करें 2020 डेटा में तो उत्तराखंड में 5.1 व्यक्ति प्रति 1,000 पर, वहीं सेम 5.1 व्यक्ति प्रति 1,000 पे मृत्यु दर पूरे भारत में भी है। तो एक डेटा यहाँ पर सेम है नगरीय मृत्यु दर उत्तराखंड की मृत्यु दर 2020 डेटा के अनुसार भारत की 5.1 और 5.1। बने रहिए जमे रहिए आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल कॉमटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का चैनल आप सभी लोग का बारंबार स्वागत और अभिनंदन करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, हमारे लेक्चर्स पे कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक पेज है कॉमटेरिया, उसको भी फॉलो कीजिए। हमारा लीगल पेज एक है शिक्षा का यदि चर्चा कॉमटेरिया, उसको भी फॉलो कीजिए। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कॉमटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द आऊँगा, चलिए जय हिंद जय अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। जय हिंद जय भारत। शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।